और अपनी गाड़ी का रिव्यू भी बता दो भाई, ये गाड़ी कैसी लगी है तुम्हें चलाते हुए, कितने दिन हो गए अभी? एक नंबर। एक वीक तो हो गया इसको? 20 को ली थी, एक वीक हो गया, एक नंबर जिससे कहते हैं। दीपक वाली बात ही तो नहीं है कि कस्टमर अपनी गाड़ी को बढ़िया बता रहा है? ना भाई, मैं तो एंट्री में तो बुराई क्या करता था। अच्छा, उसकी तो ये नहीं लगी मुझे, मतलब बढ़िया लगी तो मैं उसकी बता रहा हूँ। अच्छा, मेन बात कम्फर्ट की वजह से। दो चार जैसे बेकार चीजें भी हैं, जैसे कार प्ले नहीं है, बताओ। अच्छा, 22 लाख की। हाँ, कार प्ले नहीं है, होना चाहिए। और भाई सीट्स का कंफर्ट बहुत घटिया है, हाईवे पे 100+ लेके जाओगे तो रोड नॉइस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसे लगेगा रोड नॉइस अभी भी है अंदर? हाँ, बहुत ज्यादा है, 100+, ऐसे लगता है शीशा खुल रहा हो। अच्छा, जैसे पुरानी वाली गाड़ी में होती थी। डिजाइन वैसा? हाँ, डिजाइन वैसा है, एरोडायनामिक्स नहीं है उस तरीके के। और विंडशील्ड थोड़ी बहुत ज्यादा खड़ी है तो कीड़े बहुत मरते हैं। अच्छा, तो आप घर से साफ करके चलो तो सेम वो पुरानी वाली प्रॉब्लम है। 10 किलोमीटर चलोगे वो है। बाकी तो भाई, और इंटीरियर को जो वाइट दे दिया इन्होंने, इंटीरियर तो एक ही है, पता है क्यों इंटीरियर लग रहा है ऐसा? क्योंकि सीट भी वाइट कर दी। हाँ, अगर चेंज करवा लेंगे तो ये चीज रिजोल्व हो जाए, क्योंकि छत ऑलमोस्ट सब गाड़ियों की वाइट होती है। हाँ, वो वाइट होती है, जैसे डैशबोर्ड है ये जो चीज है ना, ये बस तो क्रेटा में भी ऑफ वाइट आती है, उसकी तो कोई नहीं कहता। बात तो पॉइंट है, पर सीटों की वजह, सीटों में इन्होंने दिक्कत, पर ये है ना, सीट में हम सीट कवर भी तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो एयरबैग्स वगैरह वो सारे उसी के। भाई ये वाली क्वालिटी कितने घूम लेना बाहर, आप मार्केट में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी फ्री। और जो क्वालिटी कंपनी की होती है ना, इसलिए थोड़ा सा मन वो होता है। बस ये है कि थोड़ा सा इन्होंने लग्जरी एड ऑन करने के चक्कर में ना वाइट ज्यादा कर दिया, बाकी तो ये है कि फील आती है वैसे इसके साथ। और थोड़ी सी गाड़ी अंदर से ब्रॉड दिखती है वाइट इंटीरियर के साथ। हाँ, क्योंकि ब्लैक में थोड़ी सी दबी हुई दिखाई देती थी वो। ऊंचे से बैठते हैं। हाँ, जो भी ठीक है। आपने मोका ब्राउन बुक कराया ना? मैंने मोका ब्राउन किया बुक, पर भाई मेरी तो 1 साल की डिलीवरी है, 1 साल बाद डिलीवरी दे रहे हैं। तो कोई वेट, मैं वापस ले लूंगा अपने 21,000 को, वेस्ट करूंगा 6 महीने में ही अपने आप ही दे देंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता। जबकि 3 तारीख की बुक करी। हाँ, मैंने 11/5 पे बुक कर दी थी। सेंसलेस चीज है। हाँ हाँ भाई, एक स्कैम और बता दूं मैं, ऑन कैमरा बता दूं स्कैम। दीपक ने भी बुक करी थी, मैंने भी बुक करी थी। हमारी गाड़ी बुक हुई 3, हमने 2 गाड़ी बुक करी, हमारी 3 बुक हुई, एक शोरूम ने अपने आप ही कर दी। एक शोरूम ने अपने आप ही कर दी काउंट बढ़ाने के लिए। हाँ, दीपक के नाम से 2 बुकिंग है वहाँ पे। पैसे नहीं लिए। हाँ, बुकिंग नाम पे आ गई, दीपक के पास मैसेज आ गया 2 गाड़ियों का। भाई गाड़ी दीपक लेके जा रहा है मंदिर पूजा वूजा करवाने के लिए, और यहाँ पे अरुण भाई निकल रहे हैं अपने घर। भाई का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पार्टी पेंडिंग रह गई है मेरी तरफ से, पलवल जब भी आओगे, जब भी नहीं अब तो आने पड़ेगा दोबारा। बाकी ये काम बढ़िया करवा दिया, ये ब्लैक करवा दिया ना जो, पर इसमें अभी थोड़ी सी और फिनिशिंग बाकी है। बाकी सही लग रही है। ये चीज महिंद्रा ने बहुत गलत दी यार, महिंद्रा इसको यहाँ से शीशा ही दे देता, या फिर ऐसा ऑप्शन दे देता कि हम काट के अपने आप बना लेते। हाँ, रोड पे आ नहीं पाती, लीगल इश्यूज हो जाते। बाकी हाँ, वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ वैरायटी देने की कोशिश करी, ये फाइनल उनको लगा कि चलो ठीक है। बाकी ठीक है, जो भी करा इन्होंने, कार्रवाई बढ़िया लग रही है पहले कंपेटिवली, और सुविधा भी होगी, गेट वेट खोल के आराम से घुसा, नहीं तो 2 सीटर। हाँ, पूरा ये इसमें बैठने का भी मतलब सही है, आराम से। कोई बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, सस्पेंशन में बता रहा हूं। अच्छा, स्पीकर इसमें टॉप मॉडल में अलग है और इसमें अलग है। हाँ। कौन से दिए इसमें? टॉप है अर्बन गार्डन है। हाँ, हाँ। इसके अंदर है 4 स्पीकर 2 ट्विटर नॉर्मल। अच्छा। इन हाउस, लेकिन पिछली वाले थार से लाख गुना बढ़िया है। हाँ, 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 हाँ। और एक बात और भाई, इस गाड़ी के जैसे सस्पेंशन मेरे को नहीं लगता 30-35 लाख तक आपने किसी गाड़ी में एक्सपीरियंस करे होंगे। आप ब्रेकर को दा दो, आपको महसूस नहीं होगा कि आपको नीचे ब्रेक करता है क्या था। पेंटालिंक सस्पेंशन, जिसकी अभी कुछ दिन पहले बुराई भी चल रही वीडियो। ऑफरोडिंग में वो, लेकिन ऑन हाईवे के साथ ज्यादा महिंद्रा ने डिजाइन करी है इस बार, उस पे बहुत प्यार सस्पेंशन है भाई। तो आप कॉर्निंग बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी रोड पे ऐसे नहीं करती गाड़ी, कटफुट मारने में दिक्कत नहीं करती उनकी, स्टेबिलिटी बढ़ गई है पहले। रियर आगे तो वही है इंडिपेंडेंट विशबोन, लेकिन पीछे इन्होंने बढ़िया वाले दिए हैं, मजा आता है, मतलब एनएस से ज्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा सस्पेंशन वाइज। बाकी अंदर सीटिंग वाइज मेरे को एंड में दिखा, मतलब एंड की सीट और 700 की सीट तो भाई ऐसी है कि आपको पकड़ लेती है। हाँ, पकड़ लेती है। मैं इंदौर तक चला गया गाड़ी, मेरे को पता ही नहीं चली। हाँ। एक ही बार में, अरे हम नेपाल चले गए थे दिन में। हाँ। दिन में नेपाल गए, काठमांडू से उल्टी। हाँ। उस दिन 15-16 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करी थी हमने, पता ही नहीं चलता गाड़ी में। हाँ भाई, कंफर्ट वाइज अंदर से बढ़िया है, बाकी हाँ ये पीछे कंफर्ट अच्छा नहीं है, सीटिंग अंडर थाई सपोर्ट कम है वो। ठीक है, अब महिंद्रा ने जो कुछ दे दिया वो भी बढ़िया है। बाकी मैं अरुण भाई के इस फीडबैक से मेरे को ये पता चल रही है, गाड़ी अभी 1-2 साल रह जाएगी अपने पास। भाई अच्छा, माइलेज सही, माइलेज कितनी आ रही है भाई? अगर हाईवे पे चला रहा हूँ ना 100 तक भी,
14-15 तक आराम से दे, 14-15 दे रही है, फिर तो सही है यार, इससे बढ़िया इतनी बड़ी गाड़ी में 14-15 निकाल दे, मेरी अब 12-13 के आसपास दे रही है। साइलेंट गाड़ी है। हाँ साइलेंट गाड़ी है, बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई। ठीक है मैं भी ले लूंगा जल्दी। अच्छा नहीं नहीं भाई, स्टेयरिंग तो बहुत ही बढ़िया दिया है इन्होंने महिंद्रा में, इतना स्कॉर्पियन में भी नहीं है जितना इसमें बढ़िया दिया है। कंपनी ने करवाई है प्रमोशन। नहीं, नहीं, वही तो कह रहा हूँ, महिंद्रा की इतनी तारीफ मैंने पहली बार सुनी है। नहीं यार गाड़ी लगती ही बढ़िया, देखो महिंद्रा इंडिया का प्रोडक्ट है पर ये बहुत बढ़िया चीज बनाई है, रिफाइनमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, नई नहीं है तो इसलिए थोड़ा। हाँ नई गाड़ी वैसे भी अच्छी लगती है, हाँ जब कंपेयर करते हैं ना दूसरी गाड़ियों से तब पता लगती है, अब तो आज की डेट में इससे बढ़िया नहीं है कुछ। चीज हो रहा है जैसे यूट्यूबर पे होता है कंटेंट क्रिएटर, तो उसकी जो अंदर की लाइट है, हाँ केबल लाइट रात इतनी ब्राइट है भाई वो। अच्छा करोल वाला में जैसे फिलिप्स किया उस राम किया थे वो भी डलवा लो, इतनी क्वालिटी किसी की नहीं। अच्छा इंटीरियर से, हाँ जो वाली लाइट होती है सनग्लास होल्डर, हाँ समझ गया समझ गया, ये ऊपर होती है ब्राइट भाई, और व्हाइट इंटीरियर है तो उजाला, हाँ वैसे भी हाँ ज्यादा उजाला दिखाई देता है, बहुत मजा आ जाता है मतलब गाड़ी में। बाकी मैं तो सोच रहा था कि अलग से एक रिव्यू वीडियो बना दूं, पर भाई ने सारी रिव्यू वीडियो इसी में ऐड कर दी, तो हाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो उसकी डिलीवरी अलग कर, हाँ ये इसकी रिव्यू वीडियो अलग से देखने को मिल जाएगी आपको, इसी में से डिवाइड कर देंगे। बहुत इंप्रूव्ड है, मतलब जिन लोगों को पहले शौक था ना इसे कट मारने का, और आई जैसे बहुत छपरी होते जैसे एन वाला स्कॉर्पियो वाला गया, तो वो बहुत उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी गाड़ी। एन वाले ने वीडियो देख ली तो गए भाई ने छपरी बोल दिया मेरे को, ब्रेक मारते ही अरे पलवल के चढ़ जाते हैं, मैंने एक कार दिखा दी थी उसका नंबर था छोटा, वो भाई कमेंट आ गई कि इसको डिलीट कर देना अभी, प्यार से फिलहाल रिक्वेस्ट है, बाद में देख लेंगे। अच्छा पलवल के अलग लेवल बनवा दी, ये प्यार वाली वार्निंग दी उसने, ना ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी अभी आइए, कैसी लगी गाड़ी आपको? बहुत अच्छी लगी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने पैसे में, क्या क्या इसकी सुविधा, क्या क्या चीजें, ये देख लो भाई जनरल फीडबैक भी देख लो, साथ ही साथ फीडबैक मिल रहा है आपको। अगर आप मूड बनाओगे भी लेने का तो मिलेगी नहीं दो साल तक, तो फिर फायदा नहीं। हाँ दो साल तक वेटिंग है जी अभी इसकी, 4x4 वो जो वीडियो आई तो ही मनाली वाली वायरल हुई वो जो उस टाइम पे फेल होगी थी। तो भाई ये गाड़ी की आपको एक बार मैं दिखाई देता हूँ, जब रिव्यू वीडियो बना ही रहे हैं तो इसमें 18 इंच के आपको अलॉय मिल जाते हैं, खैर ये वाला तो आपको रिम मिलता है, उसके साथ ये टायर मिल जाता है, 80 वाले टायर हैं सारे, और जो टायर दिए हैं वो भाई इसमें दिए हैं MRF के टायर दे रखे हैं, ये काम बढ़िया करता है महिंद्रा, MRF के टायर देता है, जैसे और भी कोई कंपनी है, जैसे हमारी अभी हमने गाड़ी की डिलीवरी ली है जो आपने पहले वीडियो देख ली होगी उसमें जो टायर आए अपोलो के आए हैं, अब ये गाड़ी में भी जैसे C8 के टायर लग रहे हैं, थोड़ी क्वालिटी हल्की रहती है, बाकी MRF के टायर बढ़िया रहते हैं क्वालिटी वाइज। बाकी सारा फीडबैक भाई ने अपना दे ही दिया क्योंकि एक वीक से ज़्यादा हो गया इस गाड़ी को चलाते चलाते, और ये MX5 मॉडल है जो कि मैंने भी मैनुअल में मैंने भी यही वाला बुक कर रखा है, बट भाई मेरी डिलीवरी जब आएगी अगर मैं लूँगा या नहीं लूँगा जैसे भी होगा, अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो भाई मैं प्लान को मूव भी कर सकता हूँ, अगर मिल जाएगी टाइम से तो ले लूँगा। बाकी मेरे वाली गाड़ी में और इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें तो आपको व्हाइट इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ये देखो ये व्हाइट इंटीरियर देखने को मिलता है, मेरी वाली मोका ब्राउन है, जो ये आपको ये दे रहे हैं ना ये पैनल्स वगैरह ये सब मेरे में ब्राउन में है, ये ऊपर रूफ वगैरह भी, और इसमें भाई इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है छोटी वाली। खैर आपने रिव्यू वीडियोज़ और आपने पूरी गाड़ी एक देख ली होगी कई सारे चैनल्स पे, जो कि महिंद्रा बहुत टाइम से प्रमोशन भी कर रहा है, यूट्यूबर्स को बुला बुला के उन्होंने वीडियोस भी बनवाई हैं, जैसे कि किसी टाइम पे जिम्नी की वीडियो नेक्सा ने बनवाई थी सेम उसी तरीके से, बाकी ओवरऑल मैंने दिखाई थी, और एक जेन्युइन फीडबैक जो था अरुण भाई का वो मैंने शेयर कर दिया इस वीडियो के थ्रू। बाकी तो सब बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया लग रही है देखने में भी, और हाइट वाइट भी बहुत बढ़िया है, जैसे सामने स्कॉर्पियन खड़ी है और ये खड़ी है, दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, वैसे साथ में खड़ी होगी तो इसकी ही ज़्यादा मिलेगी उसकी कम मिलेगी, बाकी अभी इसमें क्या है कि 18 इंचेस के अलॉय और टायर लगे हुए हैं, वैसे इसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें 19 इंच के टायर और अलॉय आते हैं, तो उससे तो इसकी हाइट और भी बढ़ जाती है। बाकी कंपेरेटिवली जैसे ये वाले अलॉय आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये थोड़े दिन में आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका टॉप मॉडल का अलॉय है वो फिर भी बेटर लगता है डायमंड कट में, बाकी वो अपनी अपनी चॉइस है भाई सारी। और ये ओवरऑल फीडबैक है जो कि मैंने आपको दिखा दिया एक अलग से वीडियो बना के, और आपको गाड़ी कैसी लगी और आपको फीडबैक कैसा लगा, और आपने अगर ये गाड़ी परचेज करी है तो आपका कैसा अभी तक फीडबैक रहा है वो कमेंट करके बता देना इस वीडियो में, ठीक है? तो इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी सभी भाइयों को राम राम। और ये है भाई यहाँ से अपनी गाड़ी की डिलीवरी भी हुई है जो कि आपने अलग ब्लॉग में देख ली होगी, और अब अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं, मेरे पास स्कॉर्पियो N है।